नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कई कवियों का परिचय आपके सामने करवाया था। मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी हम आपके सामने एक एपिसोड ला चुके हैं, लेकिन हमने उसमें केवल कृतियां बताई थी और उनके सन बताए थे आपको। आज प्रस्तुत करते हैं मैथिली शरण गुप्त की कृतियाँ और उनके वर्ण विषय। तो वर्ण विषय क्या है, कृतियाँ कौन सी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खंड काव्य की, मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त, दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, ये सब अपन एपिसोड वन में पढ़ चुके हैं। आज केवल इनके खंड काव्य का जो वर्ण विषय है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी पहली जो कृति है रंग में भंग, रंग में भंग, यह इनका पहली कृति है और यह इनका पहला खंड काव्य है। दोस्तों यह ऐतिहासिक खंड काव्य, यह ऐतिहासिक खंड काव्य है और इसका वर्ण विषय क्या है, इसमें और क्या महत्वपूर्ण विशेषता है रंग में भंग की, इसका वर्ण विषय। दोस्तों इसमें बूंदी और चित्तौड़ के जो राजवंश है, बूंदी और चित्तौड़ के जो राजवंश है उनके उन राजवंशों और राजपूतों की बातों का इसमें वर्णन है। फिर इसमें रंग में भंग में और क्या बात आती है, इसमें मान अपमान, मान अपमान की जो भावना होती है वह अवांछित अतिरंजित न हो जाए, मान भी कहीं अतिरंजित न हो जाए, अपमान भी अतिरंजित न हो जाए, उसकी वांछना, उसकी जो इच्छा है वो कहीं अवांछित न बन जाए, उसका भी इसमें वर्णन है कि जो मान अपमान की अवांछित अतिरंजना होती है वह मनुष्य के विकास में बाधक होती है। यह बात इस रंग में भंग खंड काव्य में बताई गई है। अब हम बात करते हैं रंग में भंग की भाषा कौन सी है, तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। रंग में भंग खड़ी बोली में लिखा गया था और इसका सन तो हम पहले एपिसोड में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर समीचीन होगा 1909 ईस्वी में इनका यह रंग में भंग प्रकाशित हुआ था। अब बात करते हैं हम मैथिली शरण गुप्त के दूसरे खंड काव्य की, जिसका शीर्षक है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, दोस्तों ये जो जयद्रथ वध जो है यह महाभारत के कथानक पर आधारित है। किस पर आधारित है, महाभारत के कथानक पर आधारित है, ठीक है। और इसमें दो बातों का वर्णन है, एक तो अभिमन्यु की शौर्य गाथा, इसमें अभिमन्यु की शौर्य गाथा और जयद्रथ को जो मारा जाता है, जयद्रथ का जो वध होता है, ये दोनों बातें इसमें शामिल की गई है। जयद्रथ वध सात सर्गों में विभाजित है, सात सर्गों में विभाजित है। यह 1910 की काव्य रचना है, 1910 में, 1910 में यह लिखी गई। दोस्तों इसमें जब अभिमन्यु की जो शौर्य गाथा का जो वर्णन है, अभिमन्यु जब रण यात्रा पर निकलता है महाभारत के युद्ध के समय, रण क्षेत्र में कूदता है, उस समय इसमें वीरस का समावेश हुआ है। और जब अभिमन्यु की निधन होता है, अभिमन्यु की मृत्यु होती है, उस समय सुभद्रा और उत्तरा ये दोनों विलाप करती है, रोती है सुभद्रा और उत्तरा, तब करुण रस का इसमें समावेश हुआ है। जयद्रथ वध द्वितीय खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्त क्या की दूसरी रचना भी यह मानी जाती है। अब हम बात करते हैं दो खंड काव्यों की एक साथ में, शकुंतला
खंड काव्य और किसान खंड काव्य। दोस्तों शकुंतला खंड काव्य जो है वो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि किसान खंड काव्य 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोनों के वर्ण विषय की बात करते हैं। शकुंतला नाम से ही पता चल रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा कालिदास जी ने उसी का यह अनुवाद है, और दुष्यंत और शकुंतला की कहानी इसमें है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, यह कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का अनुदित रूप है, अनुवाद इसमें किया गया है। बस इसमें इतनी सी महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं किसान की। दोस्तों जो किसान जो है, किसान जो खंड काव्य है, यह आत्मचरितात्मक खंड काव्य है। आत्मचरितात्मक खंड काव्य है किसान, आत्मचरितात्मक खंड काव्य है। इसमें 8 सर्ग है, 8 सर्ग है किसान में। किसान में कुली प्रथा का वर्णन मिलता है, कुली प्रथा का वर्णन इसमें किसान में मिलता है। अब हम बात करते हैं पंचवटी, पंचवटी खंडकाल मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों यह पंचवटी जो है यह रामायण की कथानक पर आधारित है, रामायण के। इसमें लक्ष्मण और शूर्पणखा का संवाद होता है, लक्ष्मण और शूर्पणखा का संवाद इसमें होता है, जिसमें लक्ष्मण का उत्कृष्ट चरित्र उभर कर सामने आता है, लक्ष्मण का उत्कृष्ट चरित्र। इसका एक और वर्ण विषय है प्रकृति वर्णन, मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है, पंचवटी की जो सुंदरता है, पंचवटी में जो प्रकृति की सुंदरता है उसका वर्णन भी इसमें पंचवटी में मिलता है। यह 1925 में लिखित प्रकाशित खंड काव्य है पंचवटी, और रामायण पर इसका कथानक आधारित है। अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त के अगले खंड काव्य की। दोस्तों सैरंद्री, सैरंद्री यह जो खंड काव्य है यह महाभारत के कथानक पर आधारित है, महाभारत के कथानक पर आधारित है। दोस्तों इसमें द्रौपदी जो होती है वो अपने अज्ञातवास के समय सैरंद्री नाम धारण कर लेती है, कौन, द्रौपदी, और यह छद्म नाम होता है द्रौपदी का, सैरंद्री जो है वो द्रौपदी का छद्म नाम है, छद्म नाम। तो सैरंद्री और कीचक की जो चिर प्रसिद्ध गाथा है वो कहाँ मिलती है, महाभारत के वर्णन में मिलती है, वह इस सैरंद्री खंड काव्य में है, मिलती है, और यह 1926 की रचना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का बकसंहार, बकसंहार। दोस्तों यह जो खंड काव्य है बकसंहार यह महाभारत के कथानक पर आधारित है, महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसमें भीम द्वारा बकासुर का वध किया जाता है, बकासुर वध किसके द्वारा, भीम के द्वारा संहार किया जाता है या वध किया जाता है। इसमें एक तो इसका यह वर्ण विषय नाम से जाहिर हो रहा है, दूसरा इसमें कुंती का जो मातृ हृदय है, कुंती का मातृ हृदय, इसकी भी इसमें व्यंजना बड़े ही सुंदर शब्दों में की गई है बकसंहार में। यह 1927 ईस्वी की रचना है, यह 1927 ईस्वी का खंड काव्य है, और शिल्प की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह रचना पंचवटी के समकक्ष ठहरती है। इसका शिल्प किसके समान है, पंचवटी के, पंचवटी जो खंड काव्य है उसके समान इसका शिल्प है। अगला खंड काव्य है वन वैभव, वन
वैभव। दोस्तों यह भी महाभारत के कथानक पर आधारित है। इसमें दुर्योधन की पराजय होती है, इसका इसमें वर्णन है चित्र गंधर्व सेन के द्वारा। दुर्योधन की हार या परिजय पराजय, इसका इसमें वर्णन है वन वैभव में। साथ ही अर्जुन की विजय का भी इसमें वर्णन है, अर्जुन की विजय। और यह वन वैभव खंड काव्य 1927 ईस्वी में लिखा गया है। इनका अगला खंड काव्य है यशोधरा। दोस्तों यशोधरा जो खंड काव्य है इसमें वैष्णव सिद्धांतों की प्रतिपादना की गई है। वैष्णव सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। गौतम बुद्ध पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं, उसी का इसमें वर्णन है। पति द्वारा परित्यक्त नारी का इसमें वर्णन है। इसकी प्रसिद्ध पंक्तियां है सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात लेकिन चोरी चोरी चुपके गए, यही बड़ा व्यागा, सखी वो मुझसे कहकर तो जाते। यह यशोधरा का की बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां है। यशोधरा खंड काव्य का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं 1936 ईस्वी में आए दो खंड काव्यों की, द्वापर और सिद्धराज। दोस्तों द्वापर जो है यह श्रीमद् भागवत के कथानक पर आधारित है, श्रीमद् भागवत। और इसमें क्या कहा गया है, द्वापर का वाणी विषय क्या है कि पापी अपने पापों के कारण क्या भोगता है, दुर्गति भोगता है। यह इसका वाणी विषय है द्वापर का। ये भी 1936 में और सिद्धराज भी 36 में आया। सिद्धराज में राजा सिद्धराज कौन होते हैं, जय सिंह होते हैं। तो जय सिंह का इसमें वर्णन किया गया है सिद्धराज खंड काव्य में। दोस्तों अब बात करते हैं 40 41 42 में इनके लगातार वर्षों में खंड काव्य प्रकाशित हुए थे। तो 40 में जो खंड काव्य प्रकाशित हुआ नहुष, यह पौराणिक आख्यान पर आधारित है, पौराणिक आख्यान पर। और महाराज नहुष की कथा का इसमें वर्णन है। और मानव का गौरवगान करना ही इस खंड काव्य का मूल प्रतिपाद्य है। मानव का गौरवगान करना ही इस खंड काव्य का मूल प्रतिपाद्य है। नहुष का 40 में प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं 1941 की। अब बात करते हैं 1941 की कुणाल गीत। दोस्तों कुणाल गीत जो है वो लोक प्रचलित कथा पर आधारित है, लोक प्रचलित गाथा पर आधारित है। और यह गेय रचना है, मतलब इसको गाया जा सकता है। एक तरह से कुणाल गीत जो है वो कुणाल लोक गीत कह लीजिए इसको। और इसमें जो लोक प्रचलित गाथा है किससे संबंधित, कुणाल से संबंधित वो है। और ये इसके जितने भी पद हैं वो गेय हैं। अब बात करते हैं 1942 में प्रकाशित रचना की, करबला। दोस्तों करबला जो है वो मुस्लिम संस्कृति इसमें दर्शाई गई है अपने खंड काव्य के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने। इसमें इमाम हुसैन की गाथा का वर्णन है, इमाम हुसैन की गाथा का इसमें वर्णन है। और यह हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता का द्योतक है, एकता हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता का द्योतक है। अब बात करते हैं हम 1946 1950
और 1957 में प्रकाशित हुए खंड काव्यों की। दोस्तों 1946 में जो खंड काव्य प्रकाशित हुआ वो है अजित। यह आत्मकथात्मक खंड काव्य है, आत्मकथात्मक तथा एक राजनीतिक बंदी है उसका नाम है अजित, राजनीतिक बंदी, और उस बंदी का नाम है अजित। वह आत्मकथात्मक शैली में अपनी बातें कहता है, वही इस खंड काव्य में प्रस्तुत किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 1950 में प्रकाशित हुए हिडिंबा नामक खंड काव्य की। दोस्तों इसमें भीम और हिडिंबा के बीच में शुरुआत में जो झड़प होती है, उसके बाद जो उनका प्रेम और विवाह का प्रसंग होता है, वो सारा इसमें है। और इसमें यह बताया गया है कि ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर किस प्रकार से प्राणी मात्र प्रेम करे, ऊंच नीच की भावना से परे जाकर, वही यही इसमें संदेश दिया गया है हिडिंबा में 1950 में प्रकाशित हुआ। अब बात करते हैं 1957 की विष्णुप्रिया खंड का भी, इसमें प्रकाशित हुआ था 1957 में। विष्णुप्रिया कौन थी? चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता या परित्यक्ता, वियुक्ता या परित्यक्ता पत्नी थी। कौन? विष्णुप्रिया। तो जिस प्रकार से साकेत में और यशोधरा में दोनों में मैथिली शरण गुप्त ने वियुक्ता पत्नी के बारे में बताया है, उसी प्रकार से विष्णुप्रिया में भी चैतन्य महाप्रभु की जो वियुक्ता पत्नी है विष्णुप्रिया, उन्हीं के बारे में बताया है। और इनका जो तप त्याग और मनोबल है वो इस खंड काव्य में बताया गया। अब बात करते हैं रत्नावली की। 1960 में इनका एक खंड काव्य प्रकाशित हुआ था, 1960 में रत्नावली। दोस्तों तुलसी की जो पत्नी है रत्नावली और तुलसी का जो प्रसंग है इन दोनों के बीच में वह विश्व प्रसिद्ध है। तुलसी किस प्रकार से घर छोड़कर चले जाते हैं, तो तुलसी और रत्नावली के जो प्रसंग है वह इस रत्नावली खंड काव्य में है। 1960 में ये प्रकाशित हुआ था। और इनका एक खंड काव्य और है जो अप्रकाशित है, उर्मिला। यह खंड काव्य अप्रकाशित है और यह 1908-09 में लिखा गया था, 1908 या फिर 9-8-9 में यह लिखा गया था। और लक्ष्मण की पत्नी के विरह का इसमें वर्णन है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का इसमें वर्णन है। तो दोस्तों ये सारे खंड काव्य हैं जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे गए हैं। अब अगले सेगमेंट में मैथिली शरण गुप्त के जो महाकाव्य हैं और भी मैथिली शरण गुप्त के बारे में जो बातें छूट गई है उन सब का समावेश करेंगे। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।